इंडोनेशिया के सबसे घनी आबादी वाले द्वीप जावा में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिससे आसमान में राख का गुब्बार छा गया। ये ज्वालामुखी विस्फोट इतना भयंकर था कि आसपास रहने वाले लोग डर गए। इतना ही नहीं, विस्फोट के कारण निकले धुएं और राख के कारण दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ज्वालामुखी विस्फोट कितना भयंकर है। पिछले कुछ दिनों से इस ज्वालामुखी से राख और धुआं निकल रहा था। ज्वालामुखी से निकले राख और धूल की परत इतनी मोटी है कि पूरे जावा द्वीप पर दिन में ही रात जैसा नजारा दिखने लगा। यहां फंसे 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अब तक इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग जख्मी हैं। जावा के आपदा प्रबंधन के प्रमुख ने कहा, उनकी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। सरकार ने विस्फोट से प्रभावित लोगों के लिए रहने और खाने पीने का इंतजाम किया। कई पीड़ितों को शेल्टर होम में रखा गया। ज्वालामुखी के कारण आसमान से राख, मिट्टी और पत्थर की बारिश हुई। इस वजह से 2 गांवों को जोड़ने वाला एक पुल टूट गया। आसमान में फैले राख और धूल को लेकर एयरलाइंस को भी चेतावनी जारी की गई। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद उठी ये राख 50,000 फीट तक दिखाई दे रही है। सिमेरु जावा द्वीप सबसे ऊंचा पहाड़ है। ये इंडोनेशिया के 130 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में मौजूद। ये इस साल का 2रा विस्फोट है। पिछला 1 जनवरी में हुआ था और इसमें कोई हताहत नहीं हुई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए फॉलो करते रहें TV9 डिजिटल। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।